G20 की बैठक और डिनर पार्टी के बाद बिहार की सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। डिनर पार्टी के दौरान लंबे अरसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात। शुरुआत में नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने झेपते हुए नजर आए, लेकिन जब पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से करवाई, तब नीतीश कुमार मुस्कुराते दिखे। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद बिहार में अटकलों का दौर शुरू हो गया। जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तो बड़ी ही भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी दोनों चुनाव आज की जो व्यवस्था है उस तर्ज पर नहीं होंगे। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को डिनर पर बुलावा भेजा था, जिसमें कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस डिनर में नीतीश कुमार शामिल हुए और इसके बाद से सियासी हलचल तेज है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को बैकग्राउंड में रखकर विदेशी मेहमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान देश विदेश में और बढ़ा दी और इससे बिहार की पहचान भी काफी बढ़ गई है। वहीं डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से भी कराई, जिससे नीतीश कुमार बेहद उत्साहित दिखे। इसी मुलाकात में डिनर में शामिल होने के बीच प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी कर दी और कहा कि आगामी दोनों चुनाव कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन बिहार में जो आज की व्यवस्था है उस तर्ज पर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि कौन सा नेता या दल किधर भागेगा ये कोई नहीं कह सकता। आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक हो रहे हैं, अगले चुनाव से पहले आप देखेंगे इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, इसकी झलक आपको दिख भी रही होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, महागठबंधन को 2015 में हमने बनवाया था तो मैं जानता हूं कि इसको बनाने में क्या समस्या है और इसे चलाने में क्या परेशानी आती है, कितना समय और प्रयास करना पड़ता है। 2015 में 3 दलों का जो महागठबंधन था उसे मैंने ही बनवाया था, आज 7 दलों का महागठबंधन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में जो महागठबंधन बना था उसमें लालू और नीतीश कुमार कितनी बार मिले थे, नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनवाया इसको समझने की जरूरत है। मुझे दिल्ली में मिले थे जहां उन्होंने मुझे खुद महागठबंधन बनाने और उसमें शामिल होने को कहा। बहरहाल नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद जो बयान दिया उससे किसी तरह का निष्कर्ष निकालना अभी बेहद जल्दबाजी होगा, लेकिन डिनर में नीतीश कुमार के शामिल होने और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।